कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चंदन क्यारी प्रखंड के अध्यक्ष जलेश्वर दास के नेतृत्व में अलूवरा सगरबंधा मधुरी बाटविनोर गांव में राहुल गांधी के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो बाद में बाटविनोर में सभा के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोग परेशान है, महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। इसके मुक्ति के लिए लाखों लोग रोज राहुल गांधी के साथ 25 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं, जैसे चंदन क्यारी के लोग सड़क पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि विगत 8 वर्षों के दौरान एक व्यक्ति ने भगवान के नाम पर अच्छे दिन का छलावा दिखाकर सत्ता की बागडोर संभाली है। लोगों के अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन अच्छे दिन की जगह महंगाई, बेरोजगारी और देश में नफरत का माहौल जरूर बन गया। जी सर, बता दें आज का ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, ये आप लोग का कहाँ से कहाँ तक रूपचार्ज हुआ और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने वाले राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से काश्मीर तक पदयात्रा निकाला है। भारत की राजनीति के विषय को वर्तमान केंद्र सरकार ने तहस नहस कर दिया है, लोगों का विश्वास तोड़ दिया है, युवाओं का आशा तोड़ दिया है, किसानों का आशा तोड़ दिया है, महिलाओं के सम्मान पे कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इसके खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से काश्मीर तक चले हुए हैं। उनके समर्थन में हम बोकारो जिला के लोग देवाशीष मंडल, सतीश बाबू, जलेश्वर जी के नेतृत्व में चंदन क्यारी में आज भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम हम लोग निकाले हैं। गांव-गांव से ये चल रहा है, 4 दिनों तक ये लगातार ये कार्यक्रम चलेगा, ताकि चंदन क्यारी के लोग भी राहुल जी के भावना से जुड़ सकें, राहुल जी के उद्देश्य से जुड़ सकें और यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ की जो महंगाई का सवाल है, यहाँ जो और भी विषय हैं, उस विषय का भी निराकरण हो सके, इसलिए ये यात्रा चंदन क्यारी में निकाली गई। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का मुख्य उद्देश्य है महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगारी पर बढ़ी हुई है, लोगों को काम दो, महिलाओं का सम्मान बढ़े, देश में भाईचारा बने रहे, सौहार्द वातावरण बना रहे, उद्योगपति जो देश को आज चंगुल में ले लिए हैं उससे मुक्ति हो जाए, ये तानाशाही का मुक्ति हो, ये सारे सवाल देश के सवाल हैं और साथ साथ चंदन क्यारी के सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के आज भारत जोड़ो यात्रा निकली। आप लोग को कहाँ लगता है कि भारत एक पत्ता से टूटता हुआ नजर आ रहा है? इस पत्र सबसे बड़ी चीज़ है कि नेता जोकर हो गया। नेता एक तपस्वी होता है, जो राहुल गांधी में आप देख सकते हैं कन्याकुमारी से चल करके चला हुआ है, उस जोकर जो भारत का मजाक बना दिया है और दो गुजरातियों के लिए पूरे देश में काम कर रहा है, देश के संपत्ति को बेच रहा है, देश के विश्वास को बेच रहा है, देश के आस्था को बेच रहा है, इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण थी? एक प्रकार से ये भी बातें सामने आ रही थी, एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को विभाजित किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। अभी तो बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल है, महंगाई रोको का सवाल है, किसानों का मूल्य का उचित उपज का मूल्य का सवाल है, महिलाओं के सम्मान का सवाल है, देश के जो सम्मान है, देश पर जो ऋण आ गया है, करोड़ों रुपया जो मोदी जी ने ऋण चढ़ा दिया, सवाल उसका है। राजनीति विषय हट करके देश में जो आज चर्चा हो रहा है, सवाल उसका है। आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इसकी रूपरेखा क्या है और आगे ये कितने दिनों तक चलेगा? पूरे बोकारो जिला में कार्यक्रम तय और जिले के तत्काल में 5 प्रोग्राम तय किया गया, जो एक आज बाटविनोर हुआ, उसके बाद मोदी जी, उसके बाद चांदरा, उसके बाद मोदिया, उसके बाद लंका। ये 5 प्रोग्राम तत्काल हम लोग का फिक्स है और इसके तहत हम लोग राहुल गांधी जी के द्वारा कन्याकुमारी से काश्मीर तक जो पदयात्रा 3570 किलोमीटर के जो पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है, उसका समर्थन में एवं उसका उद्देश्य को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए देखता है। ये भी बातें देखी जा रही है, एक प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के तहत आप लोग के पार्टी के प्रकोष्ठ के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की यहाँ पे उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को मोटिवेट करने के लिए वर्तमान समय में हम लोगों का कुछ कार्यक्रम ऐसे समय पर हुआ, थोड़ा बहुत जो धनरोपनी हुई है उसमें लोग व्यस्त हैं और ऐसे कार्यकर्ता भी गाँव का है, कहीं विदेश से नहीं आया है, तो इसलिए गाँव का ही लोग भीड़ में थे। अभी हम लोग मानी कि आप लोग का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस परिस्थिति में सिर्फ कार्यकर्ता और संगठन के लोग, अब वो लोग सभी लोग ग्रामीण हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।